बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पालमपुर में वैन में ठूस ठूस कर बच्चे भरे जा रहे हैं। सरेआम नियमों की उल्लंघना वाहन चालक कर रहे हैं। पहले भी आपको बता दें, ओवरलोडिंग की वजह से कई हादसे हुए। हादसों के बाद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा। चलिए हमारे साथ एक बार फिर कांगड़ा ब्यूरो मनोज सिवान फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, बच्चों की जिंदगी के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है, कई हादसे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वैन में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है, किसी तरह का कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया जा रहा, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बच्चों को वैन में ठूस ठूस कर भरा जाता है, ये प्राइवेट स्कूल वालों की करनी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो अक्सर गाड़ी में आया जाया करते हैं, और टैक्सी नंबर की ये वैन है जिसमें बच्चे जो है वो वैन के डिक्की में भी डाले हुए हैं। ओवरलोड ये वैन चल रही है, और पालमपुर बाजार की बाजार से जो है ये वैन निकलती है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की नजर इस पर नहीं जाती है। हालांकि सवाल उन परिजनों पर भी उठता है जो इस तरह के ड्राइवरों को जबरन गाड़ी में बिठाते हैं बच्चों को। जब तक परिजन नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो है इसे कहा जा सकता है कि स्कूल प्रशासन भी लापरवाह है और परिजन भी लापरवाह है, जो छोटी छोटी गाड़ियों में ठूस ठूस से बच्चों को बिठा रहे हैं और अपने स्कूल भेज रहे हैं। इस पर पुलिस की एक्शन जो है वो बहुत जरूरी है, और खास करके पालमपुर में अब चालान जो है वो बंद किए गए हैं। चालान जो है पालमपुर में काफी दिनों से नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते जो है नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। और इससे पहले भी अगर बात की जाए तो नूरपुर में सबसे बड़ा बस हादसा हुआ था जिसमें 29 बच्चों की जान गई थी। उस हादसे के बाद कई तरह के कानून बनाए गए, कई तरह की चीजें की गई, लेकिन अब दोबारा एक बार फिर से जो है ये इस तरह की ओवरलोडिंग सामने को देखने मिल रही है। हालांकि पुलिस को चाहिए कि ऐसे जो वाहन चालक हैं जो ओवरलोडिंग करते हैं उन पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए मनोज।